हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। पुदीने की पत्तियों के अर्क से निकाले गए तेल को पुदीने का तेल कहा जाता है। पुदीने के तेल को अंग्रेजी में पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल कहते हैं। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल सेहत से लेकर क्लीजिंग जैसे कामों के लिए भी किया जा सकता है। पुदीने के तेल में मेंथॉल होता है और इसी तत्व में इस तेल के ज्यादातर लाभ मौजूद होते हैं। मेंथॉल से ही पुदीने को स्वाद, सुगंध और ठंडक जैसा प्रभाव मिलता है। बालों की कई तरह की समस्याओं को पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल से दूर किया जा सकता है। इस तेल से चंपी यानी मालिश करने के कई फायदे होते हैं। बालों की कई तरह की समस्याएं होती हैं दूर। त्वचा के साथ साथ पुदीने का तेल बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। ये रूखे बाल, खुजली या स्कैल्प से जुड़ी अन्य परेशानियों को दूर करता है। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के गुण। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल एंटी माइक्रोबियल, दर्द निवारक, रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने और सूजन रोधी गुणों से भरपूर है। कुछ लोग झड़ते बालों को रोकने के लिए पुदीने के तेल का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इस तेल में रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने की क्षमता है, जिससे कि रक्त प्रवाह में सुधार आता है। जब स्कैल्प पर रक्त प्रवाह ठीक तरह से होगा तो बालों से जुड़ी सभी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। कैसे करें इस्तेमाल? बाल झड़ने से बचने के लिए आप कई तरह से पुदीने के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। नारियल या किसी भी तेल में एक चम्मच पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे डालकर सिर की मालिश करें। इस तेल को बालों में 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर शैम्पू से बालों को धो लें। पुदीने में मौजूद मेंथॉल बहुत ठंडा रहता है, इसलिए इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए कोई अन्य तेल इसमें जरूर मिलाएं और ज्यादा देर तक बालों में लगा रहने दें। शैम्पू में मिलाकर लगाएं। आप शैम्पू या कंडीशनर में पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर भी बालों में लगा सकती हैं। इस तरीके से भी आपके बालों को पेपरमिंट ऑयल का लाभ मिल सकता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि हमेशा डाइल्यूट पेपरमिंट ऑयल का ही इस्तेमाल करें। इसमें कोई अन्य तेल जैसे कि नारियल तेल आदि को मिलाकर ही लगाएं, वरना त्वचा को नुकसान हो सकता है। आंखों से एसेंशियल ऑयल को दूर रखें। बच्चों और नवजात शिशु पर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।